प्रदेश में वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट करने के मकसद से प्रदेश सरकार द्वारा संचालित स्किल ऑन व्हील वैन के माध्यम से बच्चों को तकनीकी शिक्षा के बारे में प्रैक्टिकल जानकारी दी जाएगी। जिला मुख्यालय नाहन पहुंची स्किल ऑन व्हील वैन के माध्यम से बच्चों को वर्कशॉप, इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग, हेल्थ एंड हाइजीन, एग्रीकल्चर और एनर्जी एनवायरमेंट के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा वर्कशॉप में इस्तेमाल होने वाली मशीनें जिसे ड्रिल मशीन, लेथ मशीन, ग्राइंडर आदि के बारे में बच्चों को प्रैक्टिकल जानकारी दी। इस दौरान वैन को देखने पहुंचे बच्चों में काफी उत्साह नजर आया। प्रदेश में वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट करने के मकसद से इस कार्यक्रम का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला से किया था। स्किल ऑन व्हील के माध्यम से प्रदेश के 9 जिलों के समर क्लोजिंग स्कूलों में बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन के बारे में जानकारी दी जा चुकी है। मीडिया से बात करते हुए कार्यक्रम के प्रोजेक्ट ऑफिसर प्रशांत सोनावले ने बताया कि इसी कड़ी में सिरमौर जिला मुख्यालय में बच्चों को कई विषयों के बारे में जानकारी दी गई। विशेषकर वर्कशॉप में इस्तेमाल होने वाली कई मशीनों के बारे में प्रैक्टिकल जानकारी दी गई, ताकि बच्चों के साथ साथ अभिभावकों और अध्यापकों को भी वोकेशनल एजुकेशन के प्रति रुझान पैदा किया जा सके। स्किल्स ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट जो अभी चल रहा है हिमाचल प्रदेश में, एक्चुअली ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था शिमला से, जहाँ पे शिक्षा मंत्री जी ने इसका फ्लैग ऑफ किया था और एसपीडी साहब ने इसका जो इनिशिएटिव लेके इस प्रोग्राम को शुरू किया था। तो बेसिकली इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग ज़िले में जाके वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ताकि बच्चों में या फिर स्टूडेंट्स में, पेरेंट्स में और जो कम्युनिटी है उनका इन्वॉल्वमेंट वोकेशनल एजुकेशन के प्रति बढ़ जाए, और जो स्कूल मैनेजमेंट है उनका भी रवैया एजुकेशन की तरफ देखने का थोड़ा सा चेंज हो जाए, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सो वोकेशनल एजुकेशन का अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए बेसिकली ये कैंपेन चलाया हुआ है। अभी ये 10वां पड़ाव है हमारा, हम लोग 9 डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी जा चुके हैं, और वोकेशनल जैसे मंडी है, धर्मशाला है, ऐसे 9 डिस्ट्रिक्ट में जा चुके हैं, और जो विंटर क्लोज स्कूल है वहाँ तक हम लोग पहुँच नहीं पाए। तो दूसरे इसके कैंपेन में हम लोग वहाँ तक पहुँचने का ट्राई कर रहे हैं। बच्चे बहुत सारे इंटरेस्ट ले रहे हैं, और जो नया चीज़ कुछ तो यहाँ पे दिख रहा है, प्रैक्टिकली होते हुए सारी चीज़ें उनको दिख रही है, तो उनके चेहरे पे वो हैप्पीनेस और वो जो खुशी है वो झलकती है, और उनके जाने के टाइम पे जो फीडबैक आते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए। मेनली यहाँ पे 4 सेक्शंस है बस के अंतर्गत, जो है वर्कशॉप इंजीनियरिंग टेक्निक, फूड प्रोसेसिंग एंड हेल्थ एंड हाइजीन, एग्रीकल्चर और एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, जिससे इलेक्ट्रिकल के प्रैक्टिकल्स है, ऑटोमोबाइल का इंजन है, वर्कशॉप में अलग अलग तरह की मशीनरी है जैसे ड्रिल मशीन, लेथ मशीन, ग्राइंडर, ये सारी चीज़ों के बारे में उनको बताया जा रहा है। उनका एक सेशन लिया जा रहा है, ओरिएंटेशन सेशन, और उसके बाद उनको हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल भी दिया जा रहा है, ताकि वो बच्चे उसमें रुचि रखे, या फिर उनको पार्ट्स के बारे में वो फील जो होता है। यहाँ पे हम लोग क्या क्या होता है ना कि ओरली हम लोग सब बताते हैं, लेकिन जो इमेजिनेशन सब फिजिक्स जैसे कि जस्ट इमेजिन, ऐसा नहीं करके हम लोग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय डूइंग मेथड पे हम लोग काम कर रहे हैं अभी। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।